सामान थोड़ा बेचने। उसके छोटे भाई बोले हम भी जाएंगे देखने, पर रास्ते पे बर्फ थी काफी ज्यादा थिक, तो टांजीरो भी दोनों को नहीं कर सकता पिक। पर प्रॉमिस किया उसने कि लाएगा कुछ तोहफे, छोटे भाई बोले खुशी से ओके, माँ ने बोला रखना ध्यान थोड़ा अपना। चल पड़ा टांजीरो सामान लेकर अपना, सामान बेच कर अब जाना था घर, पर रात हो गई काफी और लंबा था सफर। रास्ते पर होते हैं डीमन इस दो पल, ये बंदा बोला स्टे कर लो चले जाना कल। अगले दिन जब वो घर पहुंचा अपने, टांजीरो ने देखा है फैमिली को खून में, देखकर इसे उसे हुई काफी पेन, उसका ब्रेन नहीं कर पा रहा था ये सब इंटेक। सो सभी मर चुके थे पर नेजुको जिंदा थी, टांजीरो भागा भागा सेव कर ले उसी को ही, भागते भागते लंग्स हुए कोल्ड बर्न, गिरे दोनों नीचे ना हो रहा था अबरन। नेजुको अचानक से कर रही अटैक, टांजीरो पैनिक समा जा रहा नहीं फैक्ट, नेजुको बन चुकी है डीमन आउट ऑफ बैक, शी इज ट्राइंग टू बाइट बाइट एंड स्मैक। एक बंदा आया टू किल नेजुको, टांजीरो ने डॉच किया टू सेव नेजुको, बंदे ने बोला तुम क्यों कर रहे हो सेव, ये है एक डीमन और मरना इसका फेट। टांजीरो और स्वॉर्ड्समैन की चल रही लड़ाई, नेजुको भी कर रही थी जितनी हेल्प हो पाई, इसको देखकर स्वॉर्ड्समैन का दिल थोड़ा मचला, सोच रहा वो इधर अलग सा है लफड़ा। दिया पता उसने सागिरी माउंटेन का, बोला उधर जाके नाम मेरा लेना। अब टांजीरो पहुंचा उस ओल्ड मैन के पास, ओल्ड मैन ने पूछे सवाल कुछ खास, एक लूंगा टेस्ट क्या हो पाओगे पास, टांजीरो ने किया एक्सेप्ट ये चांस, टेस्ट से तो हो गया टांजीरो पास, ओल्ड मैन बता रहा डीमन स्लेयर का राज। तो अब स्टार्ट हुई टांजीरो की ट्रेनिंग, डे बाय डे हो रही हार्ड फकिंग ट्रेनिंग। अब डीमन स्लेयर फाइनल टेस्ट की है बारी, टांजीरो को उसके जैसे मिले सारे काफी, काफी स्ट्रॉन्ग डीमन से हुई उसकी फाइट, और फाइनली पास की है उसने वो नाइट।